Hi, I'm Geeta Kapur. This is India's best dancer. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more performances. चलिए अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ. मैंने एक चीज नोट की है कि शिल्पा जी में एक ऐसी चीज है जो आज तक वो खुद नहीं जान पाई है कि उनमें वो क्वालिटी है. और वो है बहाने मारना. बहाने मारना. सही बता रहा हूँ. ये बहाने मारती हैं बहुत ज्यादा. लेकिन एक्चुअली आपको बता देता हूँ वो आई क्यों है आज यहाँ पर. वो एक्चुअली इतनी इंप्रेस हो गई थी पिछली बार वो शो में आई थी, अनिकेत के साथ एक्टिंग की थी. सॉरी बाबा, माफ कर दो. माफी नहीं मिलेगी. नो. कि आज वो कह रही है कि आज अगर समझो ये नहीं हुआ तो मैं अभी कभी ये शो छोड़ के जा रही हूँ. मैं सुखी नहीं रहूंगी. मैं सुखी नहीं रहूंगी. जय, हाँ, तुम में एक कमाल का टैलेंट है. क्या बताइए ना. फेंकने का टैलेंट. इस बार शाहरुख खान नहीं, इन्होंने अंजलि अंडा बंद हो जाए. ये हो जाए. चल आओ अंजलि. अंजलि बैठ जा. अंजलि तुम जानते हो जब तुम मुझे छोड़ के गई थी. तब मेरी जेब में 100 रुपए थे. हाँ, आज मेरी जेब में 100 करोड़ है. 100 करोड़. लेकिन अंजलि है वो सिर्फ कागज. अंजलि है जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो. सुनील शेट्टी को क्या कब्ज हो गया है. अनिकेत मैं किसी और की हो चुकी हूँ. आज वापस लेती हूँ. तुमने क्या बैंड बजा दी. तुमने डायलॉग. अनिकेत मैं किसी और की हो चुकी हूँ. अंजलि अरे डायलॉग तो कंप्लीट करने दे. अनिकेत मैं किसी और की हो चुकी हूँ. मैं तुम्हारी नहीं हो सकती. नहीं हो सकती. नहीं हो सकती. अंजलि तुम जानती हो वो शादी सिर्फ एक समझौता था. अंजलि वो एक इंसान से नहीं शादी हुई थी. उसकी धन दौलत से हुई थी. अंजलि अब वो ही धन दौलत मेरे पे. अंजलि तो तुम मेरी हुई ना. अंजलि मुझे नहीं पता मेरा रिश्ता किससे कराया गया था. मुझे बस यही पता है कि अब वही मेरे पति है. जीवन साथी है. वही मेरी धड़कन है. अनिकेत तो मुझे भूल जाओ. अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता. और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं हो नहीं दूंगा. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. मेरी जान मेरे दिल पर मेरा ऐतबार कर लो. जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो. मेरी धड़कनों को समझो. तुम भी मुझसे प्यार कर लो. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. अनिकेत तुम बहुत अच्छे डांसर हो बेटा. एक्टिंग मत कर. अभी तक लोगों को ये डायलॉग याद था. मैं चाहती हूँ ये डायलॉग लोग भूल जाए. तुम आवाज निकाल कहाँ से रहे थे. अंजलि कहाँ से. ये अंजलि अंजलि बोल रहा था कि उल्टी कर रहा था. मुझे समझ सच में उल्टी.
मैं माफी मांगना चाहूंगी दर्शकों से जिन्होंने हमें झेला है पिछले दो मिनट में। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा ऐतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। शिल्पा जी आप कुछ कह रही थी, सेलिब्रेशन का माहौल है। हाँ जी, टॉप फाइव मिलने वाला है, राइट। बप्पा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुखी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक और रीजन फॉर हैप्पीनेस मिलना चाहिए, एक सरप्राइज के साथ। क्या है? क्या सरप्राइज है? कहाँ चली गई शिल्पा जी? आ रही हैं बस। शिल्पा जी आ जाइए, बताइए सरप्राइज क्या है। पूछना है ये क्या था? क्या था? सरप्राइज अच्छा था लेकिन ये था क्या? कमाल था ना, लेकिन आउटस्टैंडिंग स्टुपेंडस फैंटास्टिक और मैजिकल वाला मोमेंट था हमारे लिए। देखो, सुखी होने के लिए कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। क्या बात है। तो गीता, टेरी, सोनाली मिलिए स्वरांगन ढोल ताशा पथक से। क्या बात है। ये जो गणपति का सीजन है बहुत ही बिजी है इनके लिए, उसमें से टाइम निकाल के आए हैं, और सबसे खास इसलिए भी है क्योंकि इनके ग्रुप में 50 से ज़्यादा लोग हैं और उसमें से 22 औरतें और लड़कियां हैं। क्या बात है। ये सिर्फ औरतें ही नहीं, ये ऑलराउंडर हैं। क्या बात है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना काम, पढ़ाई, घर परिवार के काम सब संभाल रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज अमेजिंग सुखीज। तो हम और बातें करना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा जजेस आप प्लीज बैठ जाएं। स्वरांगन ढोल ताशा पथक, सबसे पहले तो आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं शिल्पा मैम का बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने हमें, हम सबको यहाँ बुलाकर इतनी इज्जत दी और इतनी अपॉर्चुनिटी दी। जैसे मैम ने सही कहा, हमारे ग्रुप में 50 से भी ज़्यादा, बहुत बड़ा ग्रुप है,
और सारी फील्ड से महिलाएं और लेडीज़ है. जैसे मैं अगर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ तो ये वैष्णवी है, 20 इयर्स की है, पर इसकी पुलिस में भर्ती हो चुकी है. सो नवंबर से सो हम बहुत ज़्यादा प्राउड है इसके लिए. मानसी और मनस्वी 12th स्टैंडर्ड में है, तो वो अपना पढ़ाई संभालते संभालते अपने पैशन को फॉलो करती है. मैं और कल्पना वर्किंग मदर है, सो बच्चे घर और वर्किंग आवर्स संभाल कर हम ये पैशन फॉलो करती हैं. और किसी ना किसी रूप से, किसी के पेरेंट्स से, किसी के इन-लॉ से, किसी के हस्बैंड से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इसीलिए हम हमारा पैशन ड्रीम जो भी है वो अभी जी पा रहे हैं स्वरांगन ढोल ताशा पथक के माध्यम से. कैसे मैनेज कर पाते हैं घर, बच्चे और पैशन? ये बहुत डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है. मैम, पैशन होना ज़रूरी है. पैशन होगा तो सब कुछ है. तो अभी मेरा जर्नी जो है सुकी को रिलेट करता है. जैसे कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठती हूँ. 6 बजे उठने के बाद मेरा छोटा बच्चा है 4 साल का, उसको स्कूल में छोड़ना. आफ्टर दैट 8 बजे मैं खुद निकलती हूँ ऑफिस के लिए. 10 to 7 मेरा वर्किंग आवर्स है, वो कंप्लीट करके उसके बाद मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ. घर पे आके घर का डिनर का जो भी है वो करना कंप्लीट करके फिर मेरा बेटा जो हिमांश उसका होमवर्क वगैरह करके जो टाइम मी टाइम जो होता है ना वो मैं त्वरांगण ढोल ताशा पथक उसके लिए देती हूँ. मतलब आपकी भी जिंदगी सुखी की तरह सुबह चाय से लेके रात को दूध तक उसी में सीमित हो जाती है कभी. देखिए किरदार जो मैंने प्ले किया है सुखी में वो तो मैंने प्ले किया है, लेकिन जो कहानी है ये आप सबकी है. जितने भी देख रहे हैं लेडीज़ जो घर पे हाउसवाइव्स है और जो बाहर जाके काम कर रही हैं, हम सब में एक सुखी है जो बेपरवाह, बेतड़क और बेशरम होके अपने ड्रीम्स को और अपने पैशन को मारती नहीं और जीती है, वही सुखी हो सकते हैं और उन्हीं के परिवार सुखी हो सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.